हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कौशिक एंटरप्राइज। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वेस्पा ZX125 BS6 वेरिएंट के बारे में। तो इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिए और फुल इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाएं, और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके हेडलैम्प के डिज़ाइन से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सर्कुलर शेप में यहाँ पे राउंड हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जो हेडलैम्प यूज़ करा गया है ये हेलोजन टाइप का मिल जाता है आपको, नॉर्मल हेलोजन बल्ब टाइप के मिलते हैं, जो काफ़ी डिज़ाइन वाइज काफ़ी बेहतरीन लुक यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी रेट्रो फीलिंग आती है आपको देख करके। बाकी जो फ्रंट डिज़ाइन है इसका, फ्रंट एप्रिन का, यहाँ भी आप देख सकते हो बल्ब टाइप के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और 3-स्पोक अलॉय व्हील डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 90x100 सेक्शन के 10 इंचेस ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा टायर पैटर्न है, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। बात की जाए इसके ब्रेकिंग सेटअप की तो यहाँ पे आपको 200mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फ्रंट फेंडर के ऊपर डिज़ाइन, ये क्रोम स्ट्रिप वाले डिज़ाइन आपको मिलती है। इसके अलावा हैंडल बार क्वालिटी, स्विचेस के, कंट्रोल्स के आप देख सकते हो क्वालिटी। बाकी यहाँ पे कंसोल की बात की जाए तो एनालॉग सेटअप आपको मिलता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, ये सब आप देख सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों से ही ऑन कर सकते हो आप स्कूटर को। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट में आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, और बात की जाए लेगरूम एरिया की तो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी की यहाँ पे फिनिशिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप मैट भी लगवा सकते हो। और बात की जाए इसकी सीटिंग की तो दो लोग बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, और सीट हाइट जो है 770 mm की मिलती है, तो लेडीज़ राइडर वगैरह भी सब कुछ ईजिली बैठ के चला सकते हैं। बात की जाए इंजन की तो 125cc का फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिलता है, जो मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है 9.8 bhp की और 9.6 Nm का मैक्स टॉर्क। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह सब कुछ। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का इंटीग्रेटेड फुटरेस्ट मिल जाता है। बाकी पीछे का डिज़ाइन आप देखेंगे तो काफ़ी रेट्रो फीलिंग आपको लगेगी पीछे का डिज़ाइन देख करके। टेल लैम्प जो है बल्ब टाइप के मिल जाते हैं, क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है पीछे की तरफ, और यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है नॉर्मल आपको बल्ब टाइप के मिल जाते हैं। और साइड की तरफ देखेंगे इसका बेली डिज़ाइन तो वेस्पा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है क्रोम फिनिश में एम्बलम वाले डिज़ाइन के साथ में। और यहाँ पे बात की जाए इसके स्टोरेज स्पेस की तो अंडर सीट स्टोरेज काफ़ी अच्छी है, एक हेलमेट रख सकते हो और छोटा मोटा कोई सामान भी आप बहुत ही आसानी से रख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों बात की जाए इसके फ्यूल टैंक की तो यहाँ पे आपको 7.4 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और बात की जाए माइलेज की तो 45 तक की माइलेज आप सिटी राइड कंडीशन में अचीव कर सकते हो, और फुल टैंक रेंज भी आपको 320 किलोमीटर्स तक की अचीव कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए इसके डायमेंशंस की तो यहाँ पे 1.77 मीटर्स की इसकी लेंथ है, विड्थ है 690 मिलीमीटर्स की, और इसकी जो हाइट है वो है 1.14 मिलीमीटर्स की। कलर ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों तो अभी आप देख रहे थे ग्लॉस येलो कलर, इसके अलावा रेड कलर, मैट ब्लैक कलर, अजूरो प्रोवेंजा वाइट कलर और पिंक कलर वेरिएंट जैसे एक्साइटिंग कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ZX125 BS6 वेरिएंट में। यहाँ पे दोस्तों वेस्पा स्कूटर्स में खास बात ये होता है कि इनकी जो पेंट फिनिश होती है और जो इनकी क्वालिटी होती है बहुत ही स्ट्राइकिंग और A1 क्वालिटी की आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जेन्युइन एक्सेसरीज़ वगैरह भी आप लगवा सकते हो। अगर आप अपने नज़दीकी वेस्पा डीलरशिप पे जाते हो तो वहाँ पे आप एक्सेसरीज़ वगैरह लगवा सकते हो। बाकी EMI, फाइनेंस, सर्विस, मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेरीज़ वगैरह आपकी रहती है तो आप अपने नज़दीकी वेस्पा डीलरशिप पे विज़िट कर सकते हो, और सारे डिटेल्स, क्वेरीज़ वगैरह सारा कुछ सॉर्ट आउट वहीं पर ही कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों साइड की तरफ ZX3VTEC की ब्रांडिंग आप देख सकते हो। 10 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं पीछे की तरफ, और 140 मिलीमीटर का ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है पीछे की तरफ। ओवरऑल डिज़ाइन आप इसका देख सकते हो, इसका डायमेंशंस वगैरह सबको सब कुछ जो है काफ़ी बेहतरीन है इंडियन राइड्स के हिसाब से। इसके अलावा सस्पेंशन सेटअप की बात की जाए तो फ्रंट में आपको एयरक्राफ्ट डिराइव्ड सिंगल साइड आर्म सस्पेंशन मिल जाता है, और जो पीछे की तरफ सस्पेंशन सेटअप है वो डुअल इफेक्ट हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर वाले सस्पेंशन मिलते हैं। बात की जाए इसके कर्ब वेट की तो 114 केजी की बाइक है, तो आप चाहे लेडीज़ राइडर हो चाहे जो भी राइडर हो आपके लिए बहुत ही इजी होगा इसको हैंडल करना, मनूवर करना, क्योंकि इसकी सीट हाइट भी काफ़ी लो है और आपकी जो फुट है आराम से ज़मीन को टच करेगी। तो ये थी दोस्तों आपकी ZX वेरिएंट 125cc। इसके अलावा क्रोम फेंडर पर आप देख सकते हो क्रोम फिनिश मिलती है, बाकी हैंडल बार क्वालिटी वगैरह सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी की मिलती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इस बाइक से स्कूटर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। वेस्पा की किसी भी प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हो, टेस्ट ड्राइव करना चाहते हो, बुकिंग रिलेटेड को आपकी कोई क्वेरीज है
तो कौशिक एंटरप्राइज को कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।